हे गाइस, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आप अपने मोबाइल का इंटरनेट डेटा बचाने के लिए काफी सारी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखा हुआ, लेकिन क्या रियल में आपका इंटरनेट बचता है? नहीं बचता है, जल्दी खत्म हो जाता होगा। लेकिन गाइस, आप सच में चाहते हो अपने इंटरनेट का डाटा बचाना? और दोस्तों, आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है। मैं आपको टोटल 3 सेटिंग्स बताऊंगा, जिनको अगर आप अपने मोबाइल में कर लेते हो तो आप अपने इंटरनेट को 90% तक सेव कर सकते हो। और लास्ट में मैं आपको एक एडवांस सेटिंग बताऊंगा, जिससे आप काफी हद तक अपने मोबाइल का इंटरनेट डेटा सेव कर सकते हो और मोबाइल को हैंग होने से भी बचा सकते हो। गाइज, 90% डेटा बहुत डेटा होता है। सिर्फ आपको अपने मोबाइल में उस सेटिंग को कर लेना है, उसके बाद इंटरनेट यूज करना है। सुबह से शाम तक इंटरनेट चलाओगे तब भी खत्म ही नहीं होगा। तो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वीडियो आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहो। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि टेक से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहता हूं और आप उसको सबसे पहले देख पाए। तो चलो दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आगाज और आप देख रहे हैं टेक्नो आगाज यूट्यूब चैनल। तो आइए गाइज, हम बताते हैं आपको कौन कौन सी सेटिंग्स आपको अपने मोबाइल में करनी है, जिससे आप काफी इंटरनेट डेटा सेव कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 सेटिंग्स बताने वाला हूं, एंड बस ये 3 सेटिंग आपको करनी है, उसके बाद आपके मोबाइल का जो इंटरनेट है 90% तक बचा पाओगे। तो पहली सेटिंग मिल जाती है यूट्यूब के अंदर। मोस्टली यूट्यूब तो आप यूज ही करते होगे और काफी ज्यादा इंटरनेट डेटा खत्म हो जाता है। सिंपली आपको करना क्या है, यूट्यूब में आना है। YouTube में आने के बाद यहाँ प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ आपको एक सेटिंग मिल जाती है वीडियो क्वालिटी की, इसके अंदर जाना है। वीडियो क्वालिटी के अंदर आने के बाद आप देखेंगे YouTube ने एक सेटिंग ला दिया है डेटा सेवर का। पहले ये सेटिंग नहीं था, लेकिन अब आ चुका है। यहाँ आपको दो डेटा सेवर दिखाई देंगे, एक डेटा सेवर आपके मोबाइल इंटरनेट के लिए होगा और दूसरा वाईफाई के लिए होगा। अगर आप दोनों पे लगाना चाहते हैं तो आप दोनों के लिए डेटा सेवर यूज कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको हमेशा डेटा सेवर को ऑन रखना है। तो यहाँ से आपको डेटा सेवर को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपको अपने डेटा सेवर को लगा देना है। अगर आप दोनों पे लगाना चाहते हैं तो दोनों पे भी लगा सकते हैं, अदरवाइज एक पे ही लगा सकते हैं। अगर आप इसे ऑटो या हाई पे रखते हैं तो आपके मोबाइल का जो इंटरनेट है ना, वो देखते ही देखते खत्म हो जाएगा। अगर आप अपने मोबाइल का इंटरनेट डेटा सेव करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से डेटा सेवर पे ही लगा के रखना है। तो ये हो गई हमारी पहली सेटिंग। अब दोस्तों, मैं आपको दूसरी सेटिंग बता देता हूँ। जो हमारी दूसरी सेटिंग है वो मिल जाती है दोस्तों व्हाट्सएप के अंदर। आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है, व्हाट्सएप को ओपन करना है, उसके बाद 3 लाइन पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ आपको जो ऑप्शन मिल रहा है स्टोरेज एंड डेटा का, जब आप इस सेटिंग को ओपन करते हो तो यहाँ आपको एक सेटिंग मिल जाती है यूज लेस डेटा फॉर कॉल्स। ये दोस्तों बाय डिफॉल्ट आप लोग बंद करके रखते हो गए, लेकिन अगर आप इसे ऑन करके रखते हो तो आपके मोबाइल का जो इंटरनेट डेटा है वो 90% तक बचेगा, जब भी आप कॉल वगैरह करोगे। अब दोस्तों, मैं आपको तीसरी सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, ये तीसरी सेटिंग मिल जाती है गूगल फोटोज के अंदर। गूगल फोटोज दोस्तों सभी स्मार्टफोन में होता ही है, आप सभी जानते ही होंगे। तो आपको इसे ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद ऊपर की तरफ आपको जो प्रोफाइल दिख रही है इस पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां आपको मिल जाएगा फोटोज सेटिंग का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे अगर यहाँ आपको ऊपर ही मिल जाता है बैकअप एंड सिंक का सेटिंग, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ आपको एक सेटिंग मिल जाता है मोबाइल डेटा यूजर्स का, इसको ओपन करना है।
इसको ओपन करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट अनलिमिटेड पेज सेट होता है, मतलब कि आपके मोबाइल का जो इंटरनेट है ये अनलिमिटेड यूज कर सकता है। लेकिन इसे दोस्तों आपको नो डेटा पे सेट कर देना है। इसे जब आप नो डेटा पे कर दोगे तो आपके मोबाइल का जो इंटरनेट है उसे कंज्यूम नहीं कर पाएगा एंड ज्यादा से ज्यादा आपके मोबाइल का जो इंटरनेट है वो सेव हो पाएगा। तो ये हो गई हमारी तीसरी सेटिंग। अब जो है मैं आपको एक एडवांस सेटिंग बता देता हूँ जिसे आपको अपने मोबाइल में करके रखना है। अगर आप इसको अपने मोबाइल में कर लेते हो तो इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपका इंटरनेट डेटा सेव होगा और दूसरा मोबाइल हैंग होने से भी बचेगा। आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आना है, आपको प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग में आना है, उसके बाद जर्नल में आना है। यहाँ पर एक सेटिंग मिल जाएगी ऑटो अपडेट एप्स की, यहाँ से इसको डोंट ऑटो अपडेट्स पे सेट कर देना है और डन कर देना है। कुछ लोग इसे ऑटो अपडेट करके रखते हैं, लेकिन अगर आप इसे डोंट ऑटो अपडेट पे करके रखते हैं तो आपके मोबाइल का इंटरनेट काफ़ी हद तक बचता है। सो गाइज, ये सारी सेटिंग करने के बाद आपके मोबाइल का जो इंटरनेट है काफ़ी हद तक सेव होगा और ज़्यादा खर्च नहीं होगा और आप लंबे समय तक डेटा यूज़ कर पाओगे। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।